हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर और आज हम देखेंगे फ्लिंस क्लासिफिकेशन। एक माइकल फ्लिंस करके बंदा था, जैसे ही पैरेलल कंप्यूटिंग आई ना, ये बोलता हाय भाई मैं इसको क्लासीफाई करूंगा। और उसने अपने हिसाब से चार क्लासिफिकेशन उसने प्रूफ की। तो उसने दो मेन चीज़ों के बेसिस पे क्लासीफाई किया, पहला था इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और दूसरा था डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम यानी चल भाई जो डेटा आ रहा है, जो मेरे पैरेलल कंप्यूटर है वो एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या अलग अलग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम यानी एक ही डेटा पे परफॉर्म कर रही है, अलग अलग डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बेस पे उसने चार क्लासिफिकेशन किए, जिनको हम कहते हैं SISD, SIMD, MISD एंड MIMD। तो इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। जैसे मैंने कह रहा हूं के फ्लिंस के सारे क्लासिफिकेशन पैरेललिज्म सपोर्ट नहीं करते। अगर आप पहला वाला देखोगे तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है, जो बहुत पुराने बाबा आदम जमाने में यूज होता था, जो पैरेलल नहीं था, जो सीरियल था। लेकिन आपको आगे की तीन चीजें समझने के लिए पहला वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो इसमें क्या होता है, पहले तो इंस्ट्रक्शन पूल इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और प्रोसेसर को देगा। प्रोसेसर को अभी एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या डेटा चाहिए वो डेटा पूल से लेके अपना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देगा। तो इसका एग्जांपल है IBM 360, जो सबसे पहला कुछ कंप्यूटर थे, पहला दूसरा कंप्यूटर आया था, तो उसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा परफॉर्म होता था। फिर आया मल्टीपल सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, जैसे कि हमने देखा था अपने सिंक्रोनाइज मल्टीप्रोसेसर में, मेरे आर्किटेक्चर के वीडियो में, उसमें क्या हो रहा था, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा था, डेटा फेच कर रहा था, ऑपरेशन फेच कर रहा था और सारे प्रोसेसर को दे रहा था। इन सारे प्रोसेसर को एक ही कह रहा था कि या तो आप सारा प्लस करो या माइनस करो, सब लोग या तो एडिशन करेंगे, सब लोग या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डेटा पे। अगर सब एडिशन कर रहे तो क्या कर रहे, a+b c+d e+f, सारे एडिशन कर रहे लेकिन अलग अलग डेटा पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो इससे कुछ मैंने डायग्राम बनाया, सारे एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डेटा पे। ये यहाँ से a+b लेगा, ये cd लेगा, ये ef लेगा, ये gh लेगा, तो इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। फिर उसने एक और चीज बताई, जो थर्ड चीज है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब इसका एग्जांपल है सिस्टोलिक आर्किटेक्चर, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसमें क्या होता है, एक मेमोरी होती है और अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। ये क्या करेंगे, P1 पहले इधर से कुछ डेटा लेगा, AB अपना एडिशन परफॉर्म करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो P2 को देगा, फिर P2 अपना काम करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो P3 को देगा। जब तीनों के काम खत्म हो गए ना, तो वो फिर चला जाएगा इधर मेमोरी में। तो ये सिस्टोलिक आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी डेटा मेरा एक ही रहेगा AB, लेकिन उस पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। जैसे आप देख रहे हो इंस्ट्रक्शन अलग अलग है लेकिन डेटा मेरा दोनों के लिए एक ही है, कॉमन है, इसको कहते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब थर्ड आ गया, ये तो भाई एकदम हाईफाई बंदा था। ये क्या बोलता है, मैं अलग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूंगा अलग डेटा पे। तो सोचो क्या हाईफाई उसकी प्रोसेसिंग होगी। a+b इधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है c(d), इधर क्या हो रहा है e/f, इधर क्या हो रहा है भाई m-n, मतलब अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, तो कंप्यूटर की स्पीड होगी फुल फास्ट, समझ रहे हो। तो फ्लिंस ने इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम के बेसिस पे ये चार क्लासिफिकेशन किए थे जो मैंने बताए। अब इनके मैंने नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा तो। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। आगे बहुत सारे क्लासिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे फेंज क्लासिफिकेशन है, हैंडलर क्लासिफिकेशन है और बहुत सारी पैरेलल कंप्यूटिंग के वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो उस बेल पे क्लिक कीजिए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई इसके वीडियोस आ गए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।